हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद पुनीता में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आज का कोई मतलब रूटीन का ब्लॉग मैं नहीं लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि आज मैं मंदिर का क्लीनिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है। तो आज का तारीख है 1, और कल से नवरात्रि जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं जा रही थी अपनी मंदिर का डीप क्लीनिंग करने, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर कर दूं। जिनका भी मार्बल का मंदिर होगा उन्हें बहुत हेल्प हो जाएगी ये वीडियो देखने से, क्योंकि मैं इसमें एक रेमेडी बताऊंगी जिसको आप मंदिर पे अप्लाई करोगे ना, तो मंदिर का जो चमक होता है, शाइनिंग होता है, वो बरकरार रहेगा, और जो उस पर नक्काशी हुई रहती है वो नक्काशी भी नहीं खराब होगी। तो मैंने सोचा ये रेमेडी आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए, बहुत लोग को हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं इसी से हमेशा क्लीनिंग करती हूँ और अभी तक मेरे मंदिर का चमक बरकरार। जैसा मैं नया मंदिर लाई थी बिल्कुल क्लीन करने के बाद से, वैसा ही लगता है कि ये बिल्कुल नया का नया है। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो चलिए मंदिर की क्लीनिंग करते हैं और अभी बना लेते हैं रेमेडी जो मैं अप्लाई करूंगी मंदिर के ऊपर। तो ये है सरफ, कोई भी सरफ आप ले सकते हो, और ये है मीठा सोडा जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, और ये ले लिया है मैंने शैम्पू, कोई भी शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास हेड एंड शोल्डर था तो मैंने वो इस्तेमाल कर लिया, और आधा नींबू और थोड़ा सा पानी। तो अभी देखिए मैं सरफ में डाल दूंगी मीठा सोडा, पूरा मीठा सोडा यानी कि आधा चम्मच है, और एक पैकेट मैंने ले लिया है शैम्पू। अगर ज़्यादा जगह अप्लाई करना हो तो आप शैम्पू दो भी ले सकते हो, और नींबू भी आप दो ले सकते हो, मतलब एक पूरा नींबू आप ले सकते हो। आप उस हिसाब से रेमेडी बना लेना, जितना आपका स्पेस होगा उस हिसाब से। तो डाल दिया है मैंने पानी और इसे मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो ये तैयार हो गया है, और चलिए अब मंदिर के ऊपर से सब कुछ हटा देते हैं। जैसा कि मैंने कैंडल होल्डर रखा था तो वो हटा लूँगी, और मंदिर का कर्टन्स हटा लूँगी, मंदिर के जितने भी देवी देवता हैं सबको मैं बाहर निकाल लूँगी, झाली वगैरह साफ़ कर दूँगी। और अभी कर दिया है मंदिर बिल्कुल खाली, और साफ़ कर लेती हूँ झाले। जैसे कि दिया वगैरह जलाइए तो झाले जो है मंदिर के ऊपर पड़ जाते हैं, तो वो मैं अच्छी तरीके से साफ़ करके जितना डस्ट निकलेगा वो सब मैंने निकाल दिया है मंदिर से। और निचले हिस्से में जैसा कि रोड़ी, सिंदूर, कपूर ये सब है, तो उसे भी मैं हटा लूँगी। बिल्कुल नीचे वाला भी मैंने हिस्सा खाली कर दिया है, और साइड साइड में मैंने जितने भी झाले वगैरह थे ना सब कुछ बिल्कुल खाली कर दिया है मंदिर का सारा एरिया। अब मैं लगा दूंगी ये रेमेडी पूरे मंदिर पे, चारों तरफ से अच्छी तरीके से इसे लगाना है, और नींबू के हेल्प से मैं लगा रही हूँ। स्क्रबर का इस्तेमाल आप बिल्कुल मत करिएगा वरना मंदिर में स्क्रैच आ जाए। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा गंदगी जो है वो ऊपर में ही दिख रहा है। ये रगड़ने से जितनी भी गंदगी इसमें जमी रहती है ना सब ऊपर आ जाती है। आप देखिए कितना सारा गंदगी, ऐसे मंदिर को देखने में बिल्कुल नहीं लगता था कि मंदिर गंदा हो गया है। तभी मैंने इसे छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए ऐसे ही। उसके बाद मैं गीले कपड़े से साफ कपड़ा लूँगी, इसको गीला करके अच्छे से निचोड़ लिया है, और अच्छी तरीके से इसे पोंछ दूँगी चारों तरफ से। तो अभी देखिए कितना चमक आ गया है मंदिर में, और इससे ना मंदिर का जो चमक है, मार्बल वगैरह का आप मार्बल टाइल्स पे अप्लाई कर सकते हो, इससे मार्बल टाइल्स का जो चमक है वो बरकरार रहता है सालों साल तक। अगर हम डिटर्जेंट से वाश करते हैं तो मतलब धीरे धीरे ना मार्बल या टाइल्स का चमक जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो चमक इसमें नहीं रहता है। पर अगर इस रेमेडी को आप अप्लाई करोगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि गंदगी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, और इतना मतलब क्लीन होने के बाद मंदिर ना इतना शाइन कर रहा था। और फिर मैं दिखा रही थी, देखिए पानी कितना गंदा है, और 3-4 पानी वास होने के बाद वैसा पानी निकल रहा था, उसके पहले तो बहुत गंदा पानी निकल रहा था। और ये जो कुछ नक्काशी है मैं इसको कुछ इस तरीके से साफ़ करती हूँ, हैंकी इसके होल में डाल के ऊपर नीचे डिज़ाइन जो है उसे साफ़ कर लेती हूँ। और इसी होल को साफ़ करने में मेरा मतलब हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा कट गया था, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था, पर हम लोग का तो इतना चलता रहता है। तो अभी देखिए मैंने अंदर का जो एरिया अच्छे से क्लीन कर लिया है, जितनी भी नक्काशी स्वास्थ्य वगैरह बना है ना वो सब मैंने क्लीन कर लिया है, और बहुत गंदगी निकला है, क्योंकि मुझे लगता है दीपावली के बाद मैं अब साफ़ कर रही हूँ। होली पे भी साफ़ नहीं हो पाया था क्योंकि मेरा तबीयत जो है वो सही नहीं था, तो हल्का हल्का बस डस्टिंग मैंने कर दिया था, पर डीप क्लीनिंग कर रही हूँ अब नवरात्र में।
तो नवरात्रि हमारे यहाँ स्टार्ट हो गए हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी करे आप सभी के ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ ही खुशियाँ हो, सारे कष्ट जो है वो ख़त्म हो जाए और चारों तरफ से पॉजिटिव एनर्जी हो आप लोग के पास। पैसा भले कम हो पर खुशियाँ होनी चाहिए। पैसा लेकर हम क्या करेंगे जब हमारी फैमिली, हमारे हम खुद अगर हम खुश नहीं रह पाएंगे तो पैसा किसी काम का नहीं है। और कोरोना में तो ये चीज़ बहुत अच्छे से हमने सीख लिया कि पैसा रहने से कुछ नहीं होता है। स्वास्थ्य रहे तो बहुत अच्छे रहे और अच्छे अच्छे पैसा रखने वाले भगवान को प्यारे हो गए। तो खैर हटाइए छोड़िए, कहाँ की बातें मैं कहाँ कर रही हूँ। अभी देखिए मंदिर मैंने दिखाया आपको कि कितना ज़्यादा क्लीन, कितना ज़्यादा साइन कर रहा है। और अभी शाम को जब मैं मतलब फिर से इसको डेकोरेट कर दूंगी तो मंदिर का आप लुक देखिएगा कितना प्यारा है। फिर मैंने मंदिर जब क्लीन हो गया, अच्छे से मतलब ड्राई हो गया था ना, तो फिर मंदिर का जितना भी मतलब फ़ोटो मूर्ति था उसे मैंने अच्छे तरीके से पोंछ के और फिर एक नया कपड़ा मैंने लगाया, तुला बोला जाता है हमारे यहाँ लाल रंग का। तो मैंने ये पिंक दिख रहा है इसमें पर ये लाल है, टमाटरी लाल है। तो मैंने लाल कपड़ा बिछा दिया उस पर, जैसे जैसे मैं मतलब जितना भी जैसे जैसे मूर्तियाँ मैंने सेट की थी वैसे वैसे फिर से मैंने सेट की। अब मंदिर को थोड़ा सा मैंने डेकोरेट कर दिया। तो अभी आगे आप बने रहिए ब्लॉग में, आपको पता चल ही जाएगा। और यहाँ पे मंदिर का जो कैबिनेट है कान्हा जी का, जैसा कि इसमें मैं रखती हूँ पूजा की ही सामग्री है, प्लेट्स लोटिया और जैसे कि एक्स्ट्रा धूप तेल वगैरह ये सब रुई हुई सब इसी कैबिनेट में रहता है। तो ये देखिए यही लरी मैं बना रही हूँ और यही लरी अभी मैं मंदिर में अप्लाई करूँगी, सॉरी अप्लाई बोल रही हूँ, यही मैं मंदिर में लगाऊंगी। और ये जो मैंने फ्लावर का बनाया है ना, ये बर्थडे पे मुझे मिला था जब मैंने मीशो से मंगाया था, तो ये एक रोल टाइप का था वो बर्थडे पे मिला था, तो उसी की हेल्प से मैंने ये एक लरी बना ली है। और इस लरी को मैंने मतलब इस लरी में मैंने धागा लगा दिया था तो दोनों तरफ से पीछे के साइड से मैंने बांध दिया है। और अभी आप देखिएगा जब लाइट्स जल जाएंगे और शाम की दिया हो जाएगी तो उसके बाद मेरे मंदिर का लुक देखिएगा। बार बार मेरी नज़र मतलब मेरे मंदिर पर ही जा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ज्योति भी बोल रही थी कि दीदी तुम बार बार मंदिर को ही देखे जा रही हो। और यहाँ पर मैंने गम लेके इसे मतलब एक फ्लावर को चिपका दिया है कि फ्लावर जो है नीचे की तरफ ना झुका रहे, वो नीचे झुक जा रहा था तो मैंने इसी तरीके से इसको लगा दिया। कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स मुझे कि ये रेमेडी आपको कैसी लगी और मेरे मंदिर क्लीनिंग का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। और अगर आप मेरे वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड बटन है उसे आप प्रेस कर दीजिएगा और फिर बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी ना उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे, आप वॉच कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरा मतलब वीडियो ढूंढने में। यहाँ देखिए ज्योति बैठ के पढ़ रही है और क्या बोल रही है दी आप लोग से बात कर रही हूँ तो बोल रही है मुझे मत दिखाना दीदी, मुझे मत दिखाना। तो मैं लो लो दिखा दी लो लो तो देखिए मुझे ये धागा मिल गया और मुझे इसकी इस समय बहुत जरूरत थी क्योंकि लोग कहते हैं कि गले में मतलब कुछ होना चाहिए पानी, मतलब सुहागन लोग के गले में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसे पानी नहीं पीना चाहिए। और ये देखिए चिमटी मैंने यहाँ पे लगा दिया है तो मंदिर मेरा क्लीन हो गया है। किचन भी मैं क्लीन मतलब कर लूँगी आज या कल में, आज तो करूँगी नहीं क्योंकि रात हो गया है। आप देख सकते हो सफाई करते करते 6:30 से ऊपर हो रहा है। और चलिए मैं मंदिर दिखाऊं, दिया जल चुका है, मैं मंदिर दिखाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने फ्लावर से आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेशन किया है तो दिखाती हूँ आपको मंदिर अपना। मंदिर की क्लीनिंग करते करते मुझे बज गए थे 6, तो 6:30 बजे मैंने पूजा भी कर दिया यानी कि दिया जोड़ दिया था। और मैंने सोचा कि एक बार लाइट मतलब जैसे कि मंदिर अच्छे से डेकोरेट कर दिया है तो आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ। और आप मंदिर की साइन देखो दूर से कितना साइन कर रहा है मंदिर ना, अगर आप कोई भी डिटर्जेंट से वॉश करोगे ना तो ये साइन नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार पास से दिखा दूँ मंदिर कितना क्लीन हो गया है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।